पर्पल पेबल पिक्चर्स दो मूवी हुई है अब तक एंड काफ़ी आएगी. यू आर वेरी मच कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन रीजनल सिनेमा विच इज़ वेरी डिफरेंट, क्योंकि बहुत सेलिब्रिटीज़ है जिनके प्रोडक्शन हाउसेज है लेकिन वो लोग बॉलीवुड मूवीज़ में यू नो इन्वेस्ट करते हैं. आप यू नो यू आर ट्राइंग टू पुश मोर ऑन रीजनल सिनेमा, इफ़ यू कुड टेल अस समथिंग मोर अबाउट इट, व्हाई? वेल, एज अ प्रोडक्शन हाउस फॉर बोथ माई मदर एंड मी, इट वॉज वेरी न्यू. And being able to work with wonderful actors like this and give opportunities to actors who want to do good work, वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था. क्योंकि बहुत सारे टैलेंट है मुंबई में ही, आप देख लें जहाँ हम लोग रहते हैं, पूरी इस हमारे देश में, जिनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती. तो द रीज़न फॉर एंड स्पेशली रीजनल सिनेमा को वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म देना या वो पोजिशनिंग देना, मेरे लिए वो बहुत ज़रूरी था. बिकॉज वहाँ से भी कहानियाँ कितनी खूबसूरत आती हैं, चाहे आप हर स्टेट मर जाएँ या आप, जैसे हमने अभी फिल्में बनाई, हम एक सिक्किमीज़ फिल्म बना रहे हैं, हमने मराठी फिल्में दो बनाई हैं, हम भोजपुरी बना रहे हैं, हम पंजाबी बनाई हैं, हमने हम बंगाली बना रहे हैं. ऑफ कोर्स हिंदी भी डेवलप हो रही है, इंग्लिश भी डेवलप कर रहे हैं हम. एज अ प्रोडक्शन हाउस हमने काफ़ी वक्त बिताया है फॉर द लास्ट 1-2 ईयर्स इन ट्राइंग टू सी न्यू थिंग्स टू डिवेलप. सो हमारा डिवेलपमेंट प्रोसेस ऑफ कोर्स चालू है एंड दैट विल, आई डोंट नो व्हेन दैट विल हैपन, बट होपफुली आई विल डू, ऑफ कोर्स आई वॉन्ट टू डू हिंदी फिल्म्स, बट इट हैज़ टू बी द राइट वन. मेरी हर फिल्म के लिए वो राइट होना ज़रूरी होता है. तो अभी वी आर वर्किंग ऑन थिंग्स, लेट्स सी व्हेन आई विल बी एबल टू डू हिंदी, इंग्लिश, वी आर वर्किंग ऑन ऑल.